माई चैनल जी वी डायरीज। तो आई होप मैंने जितना ये कहना मिस किया आप लोग ने भी उतना ही मिस किया हो। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग 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 टाइम सिंस आई गॉट एनी वीडियोज ऑन जी वी डी। तो जब से मेरे स्कूल स्टार्ट हुए हैं ना, आई एम नॉट बिन गोइंग आउट एनी वेयर और नॉट हैविंग एनी व्लॉग्स टू अपलोड। कोई कॉन्टेंट नहीं था मेरे पास जी वी डी के लिए। तो या मैंने बहुत मिस किया जी वी डी को, बट आज फाइनली इतने इतने हफ्तों बाद मैं एक वीडियो ले आई हूँ एंड दिस वीडियो इज़ वेरी 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 स्पेशल। ये वीडियो काफ़ी लंबा भी है कम्पेयर टू माई अदर व्लॉग्स। एंड वॉट इज स्पेशल इन दिस वीडियो इज़ ऑफ एन एंटायर वीक। ये पूरे वीक का व्लॉग है। तो ये जो वीक था ना मेरे लिए, इट वॉज लाइक फुल ऑफ इवेंट्स। एक ही हफ्ते में मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, मैं बहुत जगह बाहर गई एंड आई हैव व्लॉग्ड इट एवरीथिंग, पूरा मैंने व्लॉग किया है। तो अभी वीडियो में आ गए, यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेट्स। मैंने डेट्स भी मेंशन किए हैं एंड यू कैन सी व्हाट ऑल आई डिड ऑन दोज डेज, हाउ आई स्पेंट माई डे। एंड यू नो एक्चुअली आपको थोड़े बहुत हिंट्स मिले होंगे बिकॉज उसके आउटफिट या व्हाट आई ईट इन अ डे मैं ऑलरेडी जीवी पे अपलोड कर चुकी हूँ, बट द व्लॉग वॉज लेफ्ट एंड दैट्स व्हाट आई एम अपलोडिंग टुडे, आई एम शोइंग इट टू यू ऑल। सो या आई होप यू लाइक इट। सो आज है डे वन, टुडे इज 19th ऑफ नवंबर और मैं जा रही हूँ मॉल। तो नज़दीकी ग्रोवेल्स मॉल है, वहाँ पे जा रही हूँ आउटिंग के लिए। तो मैं जब क्लासेस वगैरह जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, तो मैं ना एकदम से कैजुअल से लाइट टी शर्ट्स पहनती हूँ, समर कूल टी शर्ट्स। बट अभी फ़िलहाल ना सारे कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, सो मॉम डिसाइडेड दैट वी अपना अपग्रेड माई वार्डरोब। तो मेरी ही स्पेशली शॉपिंग के लिए अभी मॉल जा रहे हैं। आई एम नॉट ऑल रेडी, फटाफट से मैं अपना आउटफिट पहनूंगी, ज्वेलरी मेकअप सब कुछ करूंगी एंड आई एम गोइंग टू शेयरिंग द एंटायर व्लॉग। सो या लेट्स बिगिन। ओके गाइस, सो आई हैव चेंज्ड इनटू दिस ब्यूटीफुल आउटफिट ऑफ माइन। सो दिस इज अ वाइट पेस्टल टॉप विद दिस ब्लैक लेगिंग्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मेकअप एंड हेयर। सो लेट्स बिगिन। And yeah guys, this is my final look. So overall you can see my makeup and accessories, everything is done. By the way, I just changed my ring, let me show you like this. I changed it because that was not really going well. And comment down if you like this or not, and we're getting a little late, so yeah, let's leave. और फिर फटाफट चप्पल पहनी और चले गए। तो जब से पीछे बेल्ट लगाने का रूल बना ना, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। इट फील सो क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर मी स्पेशली। फिर यहाँ पे हम लोग मॉल पहुँच चुके हैं, ये वहाँ की एक पिक है। और फिर बिना कोई देरी करे हम सीधा मैक्स पहुँच गए बिकॉज दैट वॉज अ रीज़न वी आर योर फॉर। द फर्स्ट थिंग आई ट्राइड वॉज दिस डैंडेलियन ब्लैक प्रिंटेड टॉप। फिर उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर का ट्राई किया, ऑलिव ग्रीन कलर का टाइप कुछ है, सी ग्रीन। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया ये येलो डिफरेंट पैटर्न प्रिंटेड वाला टॉप एंड देन आई ट्राइड वन ऑफ द विंटर कलेक्शंस का स्वेट शर्ट। फिर उसके बाद एक सादा सा प्लेन ऑल सॉलिड वाला ग्रे टॉप ट्राई किया। फिर वापस फ्लावर प्रिंट में लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का किया एंड देन आई ऑल्सो ट्राई दिस ट्राई कलर टॉप जिसमें थ्री कलर्स थे, विच इज़ ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। एंड लास्टली आई ट्राई दिस कूल कम्फी आउटफिट वाला टॉप पोलका डॉट। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं फूड कोर्ट में बिकॉज इतनी बार ट्राई करके शॉपिंग करके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। यू कैन ऑल्सो चेक आउट द भीड़ ओयर इन द फूड कोर्ट। फिर उसके बाद हम लोग ने खाना स्टार्ट किया। व्हाट ऑल आई एट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल ऑन जीवी, यू कैन चेक दैट आउट। एंड यू कैन सी माय फेस विद दैट चीज़ी पुल इन द पिज़्ज़ा। बाय द वे पिज़्ज़ा वाज टू गुड, हमने सब आलू का खाया था। एंड देन वी लेफ्ट फाइनली। दिस इज ऑल द शॉपिंग आई हैव डन। हॉल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वैसे। इट वॉज टू गुड, घर आने के बाद बहुत थक गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज भी कर लिया। So yes, I am back in my night dress. I hope you enjoyed this outing in mall with me. तो मैंने जो कुछ भी लिया है उसका haul जो है वो already channel GV पे आ चुका है, so you can check it out there. And yeah, that is it for today. तो आज है डे टू, दैट इज़ 21st ऑफ नवंबर। मुझे जाना है अभी थोड़ी ही देर में एक बर्थडे पार्टी के लिए। इट्स गोना बी अ ग्रैंड ह्यूज एंड टू मच ऑफ एन एक्साइटमेंट वाला बर्थडे पार्टी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स वन ईयर ओल्ड बर्थडे पार्टी, शी इज़ गोना लुक सो क्यूट, आई कांट इमेजिन। तो फिलहाल तो एज यू कैन सी मेरी कुछ ये हालत है नाइट ड्रेस में।
आज मैं पहले अपना मेकअप करूँगी, बाल भी करूँगी शायद, आई एम नॉट डिसाइडेड, और मेकअप मैं पहले करूँगी और उसके बाद आउटफिट पहनूंगी, बिकॉज आज जो मैं ड्रेस पहने वाला ना वो एक जंप सूट है, तो जंप सूट ऐसे नीचे से पहन सकते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. आई एम सुपर एक्साइटेड, सो या लेट्स बिगिन विद द मेकअप. माई मेकअप इज़ डन, एज यू कैन सी मैंने फेस मेकअप एंड आई मेकअप कम्प्लीट कर लिया है. लिप्स में मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली बिकॉज वी आर गोइंग समवेयर रियली फार, गोइंग ऑल द वे टू घाटकोपर, तो बहुत मतलब मैं अभी मेकअप लगाऊंगी तो अभी वो ओवर टाइम उड़ जाएगा. मैं कार में मेकअप करूंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होपफुली. तो अभी फटाफट से आउटफिट चेंज कर लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मैं आउटफिट रिवील पूरा एंड में ज़रूर करूंगी. फॉर ज्वेलरी आई हैव ऑलरेडी वोन दिस गोल्ड चेन, पहले मैंने पहन लिया है. अब नकली ज्वेलरी स्टार्ट करते हैं. आई एम गोना वेयर दिस ड्रीम कैचर इयर रिंग्स. इयर रिंग मैं पहले भी पहन चुकी हूँ इस आउटफिट पे, इट लुक सुपर कूल, एंड आई एम गोना बी वेयरिंग दिस स्वान वाला रिंग. चलो इसे पहनते हैं. तो मैंने जस्ट अभी अभी बेकिंग कॉन्टोर किया है, एंड टिल द टाइम आई जस्ट लीव इट, आई एम फिनिशिंग माई मिल्क, आई डोंट वांट टू गो ऑल हंग्री. तो दूध भी क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं ये लूज पाउडर भी हटा दूंगी, फिर बस थोड़ा बहुत कम बचेगा एंड देन वी कैन लीव. सो फाइनली आफ्टर डूइंग एवरीथिंग ओनली थ्री थिंग्स आर लेफ्ट. वन इज वॉच, सेकेंड इज अ बेल्ट टू दिस ड्रेस है, मैं लुक रिवील करूंगी, एंड लास्ट थिंग इज परफ्यूम. तो चलो ये तीनों चीज़ें करते हैं. एंड दिस इज द फाइनल लुक. So this is how my makeup is looking like without lipstick, obviously the jewelry and the entire outfit. You must have seen this outfit before also, pehle bhi pehen chuki hu, watch, ring and everything. I'm also going to be carrying a bag, wo main shayad aapko baad mein dikha dungi. But yeah, this is how it has turned out. जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैंने ये क्लिप निकाली है जहाँ मैं गाड़ी में अपना मेकअप कर रही हूँ. मैंने स्पेशली मॉम को बोला था इसके लिए. एंड हियर वी हैव रीच्ड द वेन्यू, यू कैन सी इट्स ग्लोइंग सो मच. वहाँ पे बहुत सारे लाइट्स थे, दीज आर माय सिस्टर्स, हम लोगों ने फन थ्रिल फोटो खींची. देन उसके बाद गेम्स राउंड स्टार्ट हुआ, मैंने भी गेम्स खेला, बट वो मॉम ने अनफॉर्चुनेटली शूट ही नहीं किया, मैंने उनका खेलते हुए शूट कर लिया. और फिर उसके बाद स्टार्टर्स का राउंड शुरू हुआ, आई वॉज ईटिंग मिनी पिज्ज़ा, और केक का फोटो मैं निकाल नहीं पाई, बट दिस इज़ वन ईटिंग एट. फिर उसके बाद वहाँ पे कैरिकेचर सेक्शन भी था जहाँ अपना हम कार्टून फेस स्केच करवा सकते हैं. दिस इज़ इन द प्रोसेस, एंड इफ़ यू वांट टू सी द फाइनल लुक, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आई नो थोड़ा फनी है, बट आई लाइक इट काइंड ऑफ. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर खाया. अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा चंक जो है ना मेरी वीडियो का डिनर टाइम, वो मैंने शूट नहीं किया, मैं नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट. एंड निकलने से पहले लास्टली हम लोग ने बर्थडे गर्ल के साथ फ़ोटो खींची, एंड फुल फैमिली फ़ोटो भी खींच ली. एंड योर आई एम इन द कार, दीज आर द टू रिटर्न गिफ्ट I have got. I will show it to you further. And अभी आगे वीडियो में ही यू कैन सी दैट वॉट आई हैव गॉट. एंड घर पर आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई, यू कैन सी बाल बाल भी पूरा बिना बाहर आ गया है. तो चलो फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज कर लेते हैं. And yeah, I am back into my normal pajamas. It feels so good. Makeup, hair, सब कुछ निकाल दिया है. And before I end this day here, let me just show you what are the gifts I got today. तो ये कुछ क्लिप्स में ऑडियो की बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है. सो द फर्स्ट गिफ्ट दैट आई गॉट वाज दिस प्ले डो सेट, क्ले सेट. फिर उसके बाद ये रिटर्न गिफ्ट है जो पेरेंट्स को मिला था, एडल्ट्स को मिला था, बट मैं आपके सामने वीडियो में खोल देती हूँ. योर आई एम अनबॉक्सिंग इट, एंड दिस इज़ वॉट वी हैव गॉट. सो दीज आर चॉकलेट्स, गोल्डन रैप्ड चॉकलेट्स. एंड लास्टली ये वो गिफ्ट है जो किड्स को मिला था रिटर्न गिफ्ट में. इसकी पैकेजिंग भी बड़ी कूल है, बट अल्टीमेटली अंदर देखने के लिए खोलना तो पड़ेगा ही. तो चलो एक एक करके निकालते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. वैसे सबसे पहले मेरे हाथ आया है ये पाउच, इट्स अ स्टेशनरी पाउच जिसपे यूनिवर्सिटी लिखा है. आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, बट इट लुक्स रियली स्टर्डी एंड कैन फिट अ लॉट ऑफ थिंग्स. वैसे मेरा पाउच अभी ख़राब हो ही गया है, तो शायद मुझे ये निकालना ही पड़ेगा बहुत जल्दी. द नेक्स्ट थिंग वी हैव गॉट इज़ दिस एंटायर ज्योमेट्री किट, मतलब स्टार्ट टू एंड इसमें सब कुछ है, राउंडर, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी फॉर मैथ. देन वी हैव योर टू पेन्स एंड सम एक्स्ट्रा रीफिल. एक्चुअली पहले मुझे लगा ना कि रीफिल उन्होंने अलग से दिया है, बट नहीं, ये अलग है, दो दो दिया है उन्होंने इंक का.
एंड देन इसके अंदर हमारे पास है एक और छोटा सा गिफ्ट जो वापस रैप्ड है. डोंट नो उसको रैप क्यों करके रखा था मैंने, अंदर चेक किया कुछ और है क्या, पर नहीं, दैट वॉज द लास्ट गिफ्ट वी हैव. इसे भी मैंने जल्दी से खोला एंड देन आई सॉ कि ये है ऊनो. नाउ आई हैव टू डू ऊनो. बिफोर आई स्टार्ट विद दिस डे लेट मी टेल यू दिस इज़ अ फोटो स्टोरी व्लॉग. एंड जो लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूँ कि दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द फोटोज. सो या लेट्स डाइव इन विद दिस. तो टुडे इज डे 3, 22nd ऑफ नवंबर. आई एम ऑलरेडी इन माई ट्रेडिशनल क्लोथ्स बट लेट मी टेल यू हाउ इट ऑल स्टार्टेड. मैं स्कूल में थी, मेरे सिबलिंग्स मुझे स्कूल में पिक करने के लिए आए और देन आई गॉट रेडी टू दैट आउटफिट. तो ये एक्चुअली घर में सत्यनारायण की पूजा थी. माई कज़न ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर का 50th एनिवर्सरी था. यहाँ पे आरती चल रही है और फिर उन्होंने एक दूसरे को हार भी पहनाया. ये उसके बाद का फोटो है. फिर हम लोग ने प्रसाद लिया वहाँ पे बैठ के, लाइक शीरा था. एंड लास्टली वी ऑल्सो क्लिक दिस फैमिली फोटो एंड दैट इज एंड फॉर दिस डे. Guys, this clip is of day 4, 26th of November. वैसे ये बता दूँ कि आज 25th of November है. कल मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा hectic day होने वाला है. Yes. तो सबसे पहले मुझे सुबह 7 to 1 school है because I have my annual function going on in school. I have some extra practice जिसके लिए मुझे school जाना पड़ रहा है Saturday को. फिर उसके बाद 5 to 7 शाम को मेरा ICT का class है 2 घंटा. और फिर मुझे वहाँ से जाना है स्ट्रेट एक फैमिली गेट टुगेदर में. तो जो डे 3 का आप लोगों ने क्लिप देखा जो सत्यनारायण पूजा थी, हाँ, तो उसी 50th एनिवर्सरी का पार्टी जो है वो उनके जो सन है वो लोग थ्रो कर रहे हैं. सो आई हैव टू गो देयर फॉर दैट पार्टी. सो टुमारो इज़ गोना बी अ वेरी वेरी हेक्टिक डे एंड आई एम व्लॉगिंग इट ऑल फॉर यू गाइस. तो चलो अभी जल्दी से सोते हैं क्योंकि कल के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए. सो दिस क्लिप इज़ ऑफ द नेक्स्ट डे. मैं रेडी हो चुकी हूँ इन माई यूनिफॉर्म. बताना मैं कैसी लग रही हूँ. पैंट्स आर बाय द वे ट्रैक्स बिकॉज मैं डांस करने वाली हूँ. जाने से पहले मैं यहाँ पे दूध पी रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा भूख ना लगे स्कूल पहुँचने के बाद. एंड या विद अ स्मॉल बैग विच इज़ टिफिन आई एम रेडी टू गो. और अभी बजे हुए हैं 1:30. मैं वापस आ चुकी हूँ. यू कैन सी हाउ टायर्ड आई एम. जल्दी से चेंज कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं सोने जा रही हूँ. एक्चुअली मेरा शाम को क्लास था 5 to 7 बट आई कैंसल दैट बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था और पैर भी दर्द हो रहा था. आई वॉज़ फीलिंग वेरी टायर्ड और उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जा सकूँ. इसलिए आई डिसाइडेड टू जस्ट स्लीप एंड कैंसिल माई क्लास. इट वॉज सो अपसेटिंग. मैंने क्लास मिस कर दिया बट और कोई चॉइस भी नहीं थी. आई वॉज़ नॉट रियली फीलिंग वेल. फिर मैं उठ गई अराउंड 5:15 के आसपास. बहुत अच्छी नींद हुई. आई वॉज फीलिंग अ लिटिल ओके. आई क्विकली चेंज इन टू माई आउटफिट एंड आई डिड माई मेकअप. यहाँ पे बाय द वे मैं बेकिंग कर रही थी तो आइज़ के नीचे पाउडर है. मैंने जल्दी से अपनी इयर रिंग्स पहनी और अपनी रिंग पहनी. वैसे इसके बाद मैंने अपना पेंडेंट भी पहना था. दिस इज़ द फाइनल लुक. राइट नाउ वी आर इन द कार. मैं फाइनल लुक दिखाई नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा. दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग. फिर ये वो क्लिप है जहाँ हम लोग घर पहुँच गए थे वहाँ पे. एंड जाते ही हमने सबसे पहले कुछ पिक्स खींचे. यू कैन सी द डेकोरेशन ऑल इज़ सो ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक. फिर देरी ना करते हुए हमने केक कटिंग किया. दिस केक इज़ ऑल्सो सो सो क्यूट. एंड येस, हम लोगों ने कुछ पार्टी पॉपर्स भी फोड़े और फटाफट केक कटिंग की. फिर उसके बाद हमने डिनर किया. डिनर में बिरयानी थी और फिर हमने थोड़ी डांस और मस्ती करी. जाने से पहले एक फुल फैमिली फ़ोटो भी खींची. एंड योर आई एम इन द कार एज यू कैन सी. सॉरी लाइटिंग थोड़ी ख़राब है. फिर उसके बाद मैं घर पहुँच गई एंड जल्दी से मैंने फटाफट से ट्रांसफॉर्मेशन से अपना मेकअप आउटफिट सब कुछ चेंज कर लिया. यू कैन सी हाउ कम्फर्टेबल आई एम फीलिंग इन माई पजामाज एंड नो मेकअप. इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. लाइक देयर आर 4 days 4 different इवेंट्स एंड आई ट्राई टू फिल्म everything. कहीं कहीं पे मैं चीज़ें भूल गई, कहीं कहीं पे मैं नहीं कर पाई एंड सम वेंट रियली गुड. मुझे आप लोग कमेंट करके बताना इफ़ यू लाइक दिस एंड इफ़ यू लाइक सच वीडियोस जहाँ पूरे हफ्ते का ब्लॉग मैं एक ही इसमें डालूं. सो बेसिकली दिस इंस्पिरेशन वाज टेकन बाय सारा सरोज. यू माइट बी नोइंग शी इज़ अ वेरी 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 अमेजिंग इन्फ्लुएंसर. कॉन्टेंट क्रिएटर है वो. उसके सारे वीडियोज ना वीक भर के होते हैं. सो इफ़ यू लाइक सच वीडियोज डू लेट मी नो. मैं भी ऐसे ट्राई करूँगी. बट ये वाला मुझे शूट करने में बहुत मज़ा आया पर्सनली. अगर आपको देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जीवी डायरीज. आई सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.